अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर, पहला हमारा 15 चैप्टर है, इसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और हमने टॉपिक शुरू किया था एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, जो हमने डिफरेंट चूज किए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, फिर हम देख चुके हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन द अर्थवर्म। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ कर दी है। तो अब हम शुरू करेंगे कि जो अर्थवर्म है, जो अर्थवर्म एनिमल है, उसकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगी। सबसे पहली बात, तरीका हमारा वही रहेगा। आपने गौर किया होगा कि जब भी किसी एनिमल की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि उसका फाइलम कौन सा है, बिल्कुल वैसे चलेंगे। तो जो अर्थवर्म है हमारे पास, जिसकी बॉडी जो है उसके अंदर आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, जैसे आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, तो जो अर्थवर्म है वो बिलोंग करता है फाइलम एनेलिडा में से। पहली बात तो ये, तो अर्थवर्म जो है वो बिलोंग करता है फाइलम एनेलिडा, और इन्हीं एनिमल्स को बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। ये हमारा पहला पॉइंट है। नंबर टू, तो टॉपिक का नाम बता रहा है कि अर्थवर्म की बॉडी के अंदर जो है हमारा जो कंसर्न है वो है एक्सक्रीशन के साथ। तो आपने याद रखना है कि प्लेनेरिया के अंदर भी आपने देखा था कि देर वर स्पेशल स्ट्रक्चर्स, इन द सेम वे अर्थवर्म है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन। तो यहां लिखा है मैंने, तो स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म एंड दे आर कॉल्ड एज मेटानेफ्रिडिया। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है कि जो हमारा टॉपिक था प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, लेकिन जो अर्थवर्म है उसके अंदर मिलते हैं मेटानेफ्रिडिया। ठीक है, तो जैसे डायग्राम के अंदर मैंने ड्रॉ किया है, तो ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रिडिया, That is called metanephridia। ठीक है, अच्छा तो क्या दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, तो रिपीट करेंगे बात, तो बिलोंग करता है फाइलम एनेलिडा से, स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं अर्थवर्म के अंदर, उन्हें बोलते हैं मेटानेफ्रिडिया। आगे चलते हैं, आपने याद रखना है कि अर्थवर्म के अंदर हर सेगमेंट में, एवरी सेगमेंट कंटेन टू मेटानेफ्रिडिया, यानी कि या आप कह लें एक पेयर या आप कह लें दो होते हैं। तो मैंने यहां लिखा है कि जो मेटानेफ्रिडिया होते हैं वो एक पेयर होता है, भला किसके अंदर, ईच, पूरी बॉडी के अंदर नहीं, ईच सेगमेंट में। तो आप याद रखिएगा कि जो मेटानेफ्रिडिया होता है वो एक पेयर होता है ईच सेगमेंट में। आगे चलते हैं, अब पहले डायग्राम में जाएंगे, तो जो डायग्राम में दिखेगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे उसमें क्या चीजें मिल रही हैं। तो अगर आप देखें मेटानेफ्रिडिया को, तो आप गौर कर रहे हैं कि ये शुरू कहां से हो रहा है, भला ये शुरू हो रहा है यहां से, इसका ये मुंह इसका है यहां पर, तो ये इसकी ओपनिंग है। तो आपने याद रखना है कि जो मेटानेफ्रिडिया होता है ना वो स्टार्ट कैसे होता है, जो मेटानेफ्रिडिया है वो स्टार्ट होता है एक कप शेप, एक फनल शेप ओपनिंग से, और इसका हमने नाम रखा है नेफ्रोस्टोम। इस ओपनिंग को बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। ठीक है जी, तो हमने क्या बात की, हम बात कर रहे हैं कि जो ये पूरा ब्लैक में मेटानेफ्रिडिया है, हम देख रहे हैं कि जो मेटानेफ्रिडिया है वो स्टार्ट कैसे होता है। जो मेटानेफ्रिडिया है उसकी एक अपनी ओपनिंग होती है, कप शेप ओपनिंग, और उसका नाम रखा है हमने, इसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। आप सबको दिख रहा है कि ये जो नेफ्रोस्टोम है, ये जो कप शेप ओपनिंग है, इसके अंदर आपको सीलिया दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आएंगे, हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन है कि जो मेटानेफ्रिडिया वो देखने में कैसा है, तो मैंने लिखा है जो मेटानेफ्रिडिया होता है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मेटानेफ्रिडिया के अंदर इंटरनल फनल शेल ओपनिंग होती है, जिसमें क्या मिलते हैं आपको, सीलिया, जैसे आपको डायग्राम शो कर रही है। तो ये फनल शेप ओपनिंग है और उसके अंदर सीलिया है, तो हम बोलेंगे इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम के अंदर भी लेबल किया है और मैंने यहां भी लिखा है, इसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। अब फौरन से क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए कि ये जो नेफ्रोस्टोम है क्या काम करेगा। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि ये क्या करेगा, भला इसकी ओपनिंग ऐसी होती है तो इसके सीलिया भी होते हैं, तो जब इस ओपनिंग के सीलिया बीट करेंगे
करेंगे तो क्या होगा भला, जो लिक्विड होता है, जो सिलोम के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो सारा सीलिया के बीट करने की वजह से क्या होगा भला, वो इस ओपनिंग के अंदर यानी कि मेटानेफ्रिडिया के अंदर जो है वो आना शुरू कर देगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो नेफ्रोस्टोम है कर क्या रहा है भला, तो ये कलेक्ट करता है किस चीज को, मैंने नाम बोला है सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। तो इसकी अपनी ओपनिंग है, ये कलेक्ट करेगा सिलोमिक फ्लूइड को। तो अगर मैं डॉटेड एरिया में ड्रॉ करूं तो ये सिलोम वाला लिक्विड है, सिलोम वाला फ्लूइड है। तो क्या होगा, तो जब ये सीलिया बीट करेंगे तो ये जो लिक्विड होगा रेड कलर के अंदर जो है, ये एरो बता रहा है कि वो उसके अंदर जो है क्या करेगा, वो एंटर करेगा। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास ट्रिब्यूल है, आपको दिख रहा है ये पूरी ट्रिब्यूल है मेटानेफ्रिडिया की, बिल्कुल कर्व्ड आपको दिख रही है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये ओपनिंग है बाहर जाने के लिए, जैसे आपने देखा था पीछे प्रोटोनेफ्रिडिया में। इसका नाम भी वही है, इसे बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। आपने याद रखना है कि जो मेटानेफ्रिडिया होते हैं ना, इसके राउंड क्या मिलेगा आपको, इसके राउंड आपको मिलती हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, तो जो मेटानेफ्रिडिया होता है इट इज इनवेलप्ड बाय, आपको इसके इर्द गिर्द मिलेगा भला क्या, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा ये तो पूरा हो गया कि देखने में कैसा है, पूरी अरेंजमेंट कैसी है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे जो है उस लिक्विड में से वो सारा वेस्ट पकड़ेगा। तो क्या होगा, आप देखें यहाँ चेक कर लेते हैं। तो जब ये सीलिया बीट करेंगे नेफ्रोस्टोम के, तो भला ये क्या करेगा, ये सारे लिक्विड को अंदर खींचेगा। जब ये लिक्विड इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, वो उसके अंदर मूव करेगा ल्यूमेन के अंदर। आप समझते हैं ल्यूमेन बोलते हैं एक ट्यूब के अंदर की जगह को बोलते हैं ना, तो अंदर की स्पेस को बोलेंगे ल्यूमेन। तो जब ये लिक्विड इस ल्यूमेन के अंदर मूव करेगा तो भला क्या होगा, जो चीजें भी उसके अंदर अच्छी होंगी, यूजफुल होंगी, जैसे पिछले लेक्चर में देखा था हमने कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है जब उसके अंदर लिक्विड मूव करेगा तो जो चीजें यूजफुल हैं हम उसे रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और वेस्ट जो है उसको रिमूव करेंगे नेफ्रिडियोपोर के जरिए। बिल्कुल वैसे यहां पे होगा। तो जब ये लिक्विड मूव करेगा तो लिक्विड जो है वो नेफ्रिडियोपोर के जरिए बॉडी से बाहर निकलने वाला है। इससे पहले कि बॉडी से बाहर निकल जाए तो चीजें यूजफुल होंगी इसके अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसे एब्जॉर्ब करके किसको पकड़ा देंगे भला, ब्लड कैपिलरीज को, ठीक है। तो आगे लिखा मैंने एज द फ्लूइड पासेस, जैसे ही उन ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लूइड पास करेगा तो जो उस एपिथीलियम होती है, जो मेटानेफ्रिडिया की एपिथीलियम है, वो एब्जॉर्ब कर लेगी यूजफुल सब्सटेंस को। जब उसे एब्जॉर्ब कर लेगी ल्यूमेन में से तो किसको देगी भला, और उसे सेंड कर देगी ब्लड कैपिलरीज में, और जब ब्लड कैपिलरीज में सेंड कर देगी वो वाली, तो जो चीजें वेस्ट हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, सिर्फ एब्जॉर्ब करेंगे जो हमारे पास चीजें होती हैं यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो सारा वेस्ट होगा उसे नेफ्रिडियोपोर के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैकेनिज्म है अर्थम के अंदर कि एक्सक्रीशन कैसे होगी। एक बार रिपीट करते हैं, हमने क्या सीखा, हम बात कर रहे थे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। तो हमने क्या बात की, हमने देखा कि जो अर्थवर्म है वो बिलोंग करता है फाइलम एनेलिडा में से, और जो फाइलम एनेलिडा है हम इन्हें बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। फिर हमने क्या सीखा कि लाइक द प्रोटोनेफ्रिडिया अर्थवर्म हैज स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मेटानेफ्रिडिया। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मेटानेफ्रिडिया, तो मेटानेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन टू, या आपके पास इन अ पेयर इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर जो मेटानेफ्रिडिया है वो होते हैं एक पेयर की फॉर्म में, ये हमने बात की। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने ये सीखा कि जो मेटानेफ्रिडिया है इट स्टार्ट्स विद द फनल शेप कप शेप ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम दैट कलेक्ट्स द फ्लूइड। तो इसकी इंटरनल सीलिया वाली ओपनिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं नेफ्रोस्टोम, और ये जो नेफ्रोस्टोम है भला क्या करता है, इट कलेक्ट्स द फ्लूइड।
फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने ये सीखा कि जो मेटानेफ्रीडिया है इसके अराउंड क्या मिलता है आपको, तो दीज मेटानेफ्रीडिया आर एनवेलप्ड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। मैकेनिज्म क्या है, तो हमने ये सब देखने के बाद हमने बात की है मैकेनिज्म की। तो आपने याद रखना है मैकेनिज्म में ये है कि जब ये इसकी फनल शेप ओपनिंग वर्क करेगी, सीलिया बीट करेंगे, तो जो लिक्विड होगा, जो सीलोम होगा, इट गेट्स एंटर्ड इनटू द फनल शेप ओपनिंग इन द नेफ्रोस्टोम। जब ये नेफ्रोस्टोम में जाएगा और इसके अंदर पूरा मूव कर रहा होगा, तो जो चीजें भी यूजफुल है उसको रीअब्सॉर्ब करके फेंक देंगे ब्लड के अंदर, और जो चीजें भी हमारे पास वेस्ट होंगी उसे जो है हम यहां से जो है क्या करेंगे उसके अंदर, वो नेफ्रिडियो पोर के जरिए जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये आपका पूरा मैकेनिज्म है। तो जो हमारा इसके बाद, ये तो हमने बात की है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा, ठीक है, यानी काकरोच। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है एक्सक्रीशन इन काकरोच। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ डायग्राम की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो है मैकेनिज्म कैसे होता है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एक्सक्रीशन इन काकरोच है, तो जो काकरोच है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में से। तो यहां लिख रहा हूं मैं पहला पॉइंट, तो जो हमारे पास काकरोच है इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, पहली बात। नंबर टू पॉइंट, आपने याद रखना है कि जो आपके पास काकरोच है इसके अंदर भी आपको क्या मिलते हैं, स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। उसका नाम क्या रखा है हमने, उसका नाम रखा है हमने मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो यहां लिख रहा हूं मैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो हैं किधर, तो डायग्राम में जाएंगे। आप जानते हैं कि जो काकरोच है, जो इंसेक्ट होते हैं, उसकी बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं। तो ये हेड का पार्ट है, हेड है, ये थोरेक्स है, ये आपके पास हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट सेगमेंट हेड है, ये थोरेक्स है और ये एब्डोमेन है। तो ये मैंने गट ड्रॉ किया है, उसका गट सिस्टम ड्रॉ किया है। तो आपको दिख रहा है कि ये मिड गट है। पार्ट वन के अंदर इन 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास काकरोच होता है उसके गट के तीन पार्ट्स हम कर लेते हैं। तो ये जो अपर पार्ट है इसे बोलते हैं फोरगट। तो ये फोरगट है, ये मिडगट है, और ये क्या है भला, ये आपके पास है हाइंडगट। तो आपको दिख रहा है मिडगट और हाइंडगट। तो मिडगट और हाइंडगट इन दोनों के दरमियान क्या दिख रहा है आपको रेड में, इनका नाम रखा है मैंने मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो हमारा पॉइंट यहां पर हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने यह सीखा है कि जो काकरोच है बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में से। फिर हमने बात की कि इसके अंदर भी आपको मिलेंगे स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, उनका नाम क्या रखा है आपने, उनका नाम रखा है हमने मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और डायग्राम आपको दिख रही है कि मिडगट और हाइंडगट इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या मिलते हैं आपको, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। तो ये हमने डायग्राम को देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम पूरा मैकेनिज्म सीखेंगे कि जो आपके पास काकरोच होता है वो कैसे एक्सक्रीशन करेगा बाय द मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये हमारा आज का लेक्चर था। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।